हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आर एस अग्रवाल के बुक का क्वेश्चन है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। देखिएगा, यदि 1/5 अनुपाते 1/x बराबर 1/x अनुपाते 1/1.25 हो तो एक्स का मान बताइएगा। देखें कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो अनुपात दिया गया है ये बटे में हम लिख सकते हैं 1/5/1/x, और इधर बराबर लगा है 1/x/1/1.25, इस तरह से हम लिख सकते हैं बटे में। अनुपात को बटे में लिख लेंगे, एक यक्ष का गुणा एक में ऊपर जाएगा और एक का गुणा पांच के साथ होगा, तो यहाँ हो जाएगा यक्ष गुड़े एक, नीचे में आपका हो जाएगा 5 × 1। क्या किया, एक्स का गुणा किया किस पे, एक पे गया, तो एक्स गुड़े एक हो गया, और एक का गुणा हम किसके साथ में किए, 5 में गुणा किया। तो इस तरह से ऐसे हम भी नीचे का गुणा सबसे ऊपर में करेंगे और नीचे ऊपर वाले का गुणा एक्स के साथ में करेंगे, तो देखेंगे। फिर उसके बाद में आप इसका गुणा फिर करेंगे किसमें, एक में, तो ये हो जाएगा 1/1.25 बटे, यहां से भी x का गुणे एक में कर देंगे। अब एक में एक, x में एक का गुणा करेंगे तो x ही रहता है, यहां हो जाएगा x/5 और ये हो जाएगा 1/1.25 x। हम इस तरह से ये रूल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा में घाते जुड़ जाती है, जैसे आपका x में x का अगर गुणा करते हैं तो यहां पर 1 और 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस x की पावर में 1 प्लस 1, तो x बराबर 2 हो जाता है। इस तरह से हो जाता है, x में गुणा पावर में जो घात होती है वो जुड़ जाती है। अब आगे देखिए, अब इसका गुणा इसमें 5.125 का गुणा इधर कर दिया, यहां दशमलव हटा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, नीचे 0 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 5 25 चौका 125 125 हो जाएगा, तो ये आपका 5 25 और नीचे हो जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर बराबर 25/4 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स बराबर अंडर रूट में 25/4। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालें, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5/2। 5/2 से भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, भाग देने पर ये आपका आंसर हो गया, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, यदि 82 नंबर का क्वेश्चन, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x y z का अनुपात बताना है। तो देखें, ये आपका x बराबर 1/3y दिया है, तो y को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, x के नीचे ले जाएंगे तो x बटे y बराबर 1/3 हो जाएगा। ऐसे भी y को ले जाएंगे, z को y के नीचे ले जाएंगे तो z हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात में है x अनुपाते y बराबर हम क्या हो जाएगा, 1/3, ऐसे y अनुपाते z बराबर 1/2 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z, x के नीचे लिखेंगे कितना, 1/3, y और z के नीचे 1/2, ये हो जाएगा। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो गया, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो 3 हो गया, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 × 6 हो गया, तो ये आपका आ गया 1/3/6 एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 1/3/6, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे 83 नंबर का क्वेश्चन देखें,
कह रहा है यदि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी हो तो यम ए प्लस यन सी अनुपाते यम बी प्लस अनुपाते यन डी का मान बताइए। देखेंगे कैसे लगेगा। ये आपका वैल्यू दिया है ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसको बराबर के मान लेते हैं, है ना, इसके ये बराबर है। अब क्या करेंगे, अब ये इस मान पे रख देंगे। कैसे, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या माने हैं, के, और ये इसके भी सी बटे डी बराबर के ही मानेंगे। अब ए बटे बी बराबर हो रहे थे बी का ए में के में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी के, ऐसे सी बराबर कह सकते हैं डी के, इस तरह से लिख लेंगे। अब ये आपका मान दिया गया है यम ए प्लस एन सी बटे यम बी बट प्लस प्लस यन डी, इस तरह से दिया है। तो ए की वैल्यू आपका बी के निकालने हैं तो ये हो जाएगा बी के, और यहां पर सी की वैल्यू निकालना क्या है, यन इंटू डी के, ये हो जाएगा यन इंटू बी प्लस यन डी। यहां से के कामन ले लेंगे तो के कामन ले लेंगे आपका हो जाएगा कितना, यन बी प्लस यन डी, और नीचे यम बी प्लस यम डी। अब यहां से देखें ऊपर और नीचे दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर के आ गया। अब यहां से देखें के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हम माने हैं क्या है, बी बटे ए बटे बी माने हैं, तो बी बटे ए, और भी क्या माने हैं तो सी बटे डी माने हैं, के का माने के की वैल्यू निकाले। लेकिन ऑप्शन में आपके दिया है ए अनुपाते बी, तो हम क्या, आपका आंसर हो जाएगा ए अनुपाते बी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सी अनुपाते डी होता तो भी वो भी सही होता, लेकिन आपका सिर्फ ऑप्शन में दिया है बी बटे ए, तो आपका ए अनुपाते बी हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए अनुपाते बी के का मान, यहां से के की वैल्यू हम माने क्या थे, बी बटे ए बटे बी और ये सी बटे डी, तो ऑप्शन में जो दिया गया है हमको वही लेंगे बी अनुपात ए अनुपात बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि यह 7 अनुपात x समान पाते 17.5 अनुपात 25 22.5 हो तो x का मान बताइए। ऑप्शन में दिया गया 5.5 7.5 6.9। देखें इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 7 बटे एक्स, और इसको लिखे 17.5 बटे 22.5, दोनों एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो दोनों का दशमलव हट जाएगा। अब इसको काट देंगे, 5 से काटते हैं, पहले 5 और 20 25, 5 से कटो 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 2 5 25 और 7 5 35, 5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 5 9 45, तो ये हो जाएगा 1/x = 1/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका x बराबर 9 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले